Assalamualaikum, I'm Maria Khan from amana.com and if you are new to this channel, I would like to welcome all our new subscribers. हम इस चैनल पे different real estate projects के बारे में बात करते हैं जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में located हैं और आज एक project जो कि बहरिया डाउन phase 8 में located है Crescent Lake Tower के नाम से, हम उसकी site पे मौजूद हैं, उनके office में मौजूद हैं. हमारे channel पे already एक general overview की video इस project की मौजूद है, लेकिन आज हम इस project के बारे में मज़ीद कुछ details जानेंगे, इस project को in depth जानेंगे, इसका जो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, उसका जो करंट डेवलपमेंट स्टेटस है वो क्या है, और उसके अलावा इनका एक मॉडल अपार्टमेंट है जिसके टूर पे हम आपको लेके जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो व्यूअर्स, मेरे साथ मौजूद है बख्तावर जो हमें क्रेसेंट लेक टावर की कुछ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताएंगे, इसकी इन डेप्थ डिटेल्स के, इस प्रोजेक्ट का बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है. बख्तावर, क्या हाल है आपका? तो बख्तावर, हम स्टार्ट करते हैं, आप बताएं हमारे व्यूअर्स को कि इसकी जो प्रोजेक्ट की बेसिकली जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में, और इस तरह की जो उसकी डिटेल्स हैं जो आप लोग फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट में, उसके बारे में. ये बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का मॉडल है. 14 कनाल इसका टोटल एरिया है, 13.5 इसका कवर्ड एरिया है, 18 फ्लोर की ये हाई राइज बिल्डिंग है, लेक फ्रंट फेसिंग है इसकी, आर्टिफिशियल लेक होगी इसके फ्रंट पे जिसमें डांसिंग फाउंटेन्स होंगे, उसके बाद एक ग्रीन बेल्ट आएगी और फिर डबल रोड इसको टच करेगी. दो इसकी बेसमेंट्स हैं, बेसमेंट नंबर 2 एंड बेसमेंट नंबर 1. बेसमेंट नंबर 2 पे हम लोगों ने स्विमिंग पूल दिया हुआ है जो कि सिर्फ रेजिडेंट्स के यूज़ के लिए, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं है. 9 लिफ्ट्स हैं इसमें जिसमें से एक कार्गो लिफ्ट है. बेसमेंट नंबर 1 पे हम लोगों ने मस्जिद दी हुई है जो कि सिर्फ कमर्शियल यूज़ के लिए. बेसमेंट नंबर 2, बेसमेंट नंबर 1 दोनों पार्किंग है. उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे आते हैं तो ग्राउंड फ्लोर से हमारा फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड ग्राउंड फ्लोर हमारी रिटेल शॉप्स हैं जो कि कमर्शियल आउटलेट्स हैं, जिसके अंदर हमारा सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट भी है. ग्राउंड फ्लोर पे एंटर होते ही आपको सबसे पहले 3 कनाल का एट्रियम मिलेगा टू मेक द मॉल लुक अ लिटिल स्पेशियस और बहुत कंजस्टेड ना लगे. उसी में हमारी एक रिसेप्शन है विच इज़ डिज़ाइंड बेसिकली फॉर द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ द अपार्टमेंट्स, ताकि अगर आप अपार्टमेंट के रेजिडेंट्स हैं, अगर आप यहाँ रहते हैं और आपके घर में कोई भी आता है, आपका गेस्ट आता है, तो वो डायरेक्टली आपके अपार्टमेंट में नहीं आएगा, पहले वो रिसेप्शन पे आएगा, रिसेप्शन से आपको प्रॉपर कॉल जाएगी, अगर आप अलाउ करेंगे तो ही वो आपके अपार्टमेंट में आ सकेगा. उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बिल्कुल सेम टू सेम है. फिर हमारा थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पे रेजिडेंट्स की डेडिकेटेड पार्किंग है प्लस एमेनिटीज़ हैं. इसमें हमने वो सारी चीज़ें इंक्लूड की हुई हैं जिसके लिए एक रेजिडेंट को मॉल से बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है. फिफ्थ फ्लोर जो है हमारा, उसके अंदर हम लोगों ने, वो हमारा सबसे स्पेशल फ्लोर है, उसके अंदर हम लोगों ने रेजिडेंट्स के लिए सारी वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं जिसके लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत पड़ेगी. स्टार्टिंग फ्रॉम उसमें अंदर मॉस्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट्स के यूज़ के लिए है. हमने 24/7 डिस्पेंसरी दी हुई है, वॉशिंग एरिया दिया हुआ है. फिर उसके बाद हम लोगों ने एक कम्युनिटी हॉल दी हुई है जिसमें एट ए टाइम 100 लोग एक साथ आ सकते हैं. लेट्स से आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई किटी पार्टी है, कोई बर्थडे पार्टी है, तो आप वहाँ पर आराम से कर सकते हैं. फिफ्थ फ्लोर पे ही हम लोगों ने सीनियर सिटीज़न रूम दिया हुआ है कि अगर लेट्स से आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो वो यहाँ पर बैठ सकते हैं. ये एक बेसिकली एक प्राइवेट रूम होगा जिसके अंदर हम लोगों ने सारी बोर्ड गेम्स इंट्रोड्यूस कराई हुई हैं, लूडो, कैरम एक्सेट्रा. उसी के साथ साथ हम लोगों ने कॉफ़ी शॉप दी हुई है जो कि 24/7 अप एंड रनिंग होगी. हम लोगों ने चिल्ड्रन प्ले एरिया और चिल्ड्रन डे केयर दिया हुआ है. लेट्स से आपके हस्बैंड, आप लोग सारे घर में अगर वर्किंग हैं तो आप यहाँ पर अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं. फिर हम लोगों ने 5 साल के प्लान को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्ट्रिक कार चार्जर्स भी दिए हुए हैं कि लेट्स से 5 साल बाद कोई ऐसी गाड़ी आ जाती है कि जिस जो इलेक्ट्रिक कार चार्जर से चार्ज होती हो, तो फिर वो भी हमने दी हुई है. सेकेंडली हम लोगों ने इसमें लॉन्ड्री दी हुई है, हमने कार वॉशिंग एरिया दिया हुआ है जो कि अगेन ऑटोमेटिक भी है और मैनुअल भी है. एंड बाय द वे ऑल दीज फैसिलिटीज़ आर 24/7 अप एंड रनिंग. थर्ड फ्लोर पर हम लोगों ने ड्राइवर सिटिंग एरिया दिया हुआ है कि आपको अपने ड्राइवर को अपने पर्सनल स्पेस में एंटर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर आपका ड्राइवर है, आपके गेस्ट के साथ ड्राइवर आता है, तो वो यहाँ पर आराम से बैठ सकता है. फोर्थ फ्लोर पर हम लोगों ने एक मैनेजमेंट रूम, LTE रूम, हमारे CCTV कैमराज, वहाँ पे बेसिकली एक टीम बैठेगी जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करेगी. इसी के साथ साथ हम लोगों ने जनरेटर्स वहाँ पे दिए हुए हैं. वैसे तो बहरिया में लोड शेडिंग नहीं होती, बट यू नेवर नो, अगर कभी कोई मिसहैप हो जाए तो 30 सेकंड्स के अंदर अंदर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट लाइट इक्विप्ड हो जाएगा. फिर हमारा 6 फ्लोर ऑनवर्ड्स रूफ टॉप तक हमारे अपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट्स हैं. और इनके मिड में भी हम लोगों ने 3 कनाल का एट्रियम दिया हुआ है जिसके अंदर डांसिंग फाउंटेन्स होंगे. और ये हमारी हाई राइज बिल्डिंग है जिसको हम लोगों ने ग्लास रूफ बेसिकली बनाया है ताकि वो बहुत ज़्यादा रोशन रहे और कंजस्टेड ना फील हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूफ टॉप को भी हम लोगों ने फुली एक्वायर किया है ओनली फॉर रेजिडेंट्स एंड नॉट फॉर द कमर्शियल यूज़. इसके अंदर हम लोगों ने वॉकिंग ट्रैक्स बनाए हुए
हुए हैं, कॉफी शॉप दी हुई है और जगह जगह पर हम लोगों ने बारबेक्यू स्पॉट्स दिए हुए हैं कि अगर आप चाहें आपके गेस्ट आए हुए हैं आप रात में किसी भी टाइम वहां जाकर बारबेक्यू कर सकते हैं। फोर साइड्स का इसके सारे व्यूज हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, लेक फेसिंग व्यू है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी का व्यू है, इसका डिफेंस विलास का व्यूज है, मेन बुलेवार्ड का व्यू है, तो ओवरऑल इट्स बेसिकली अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। ओके बख्तावर, मुझे ये बताएं कि आपका जो कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट का, जी जी, बेसिकली ये हमारा 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें से 1 साल हो चुका है, 4 साल रहते हैं। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 2025 दिसंबर में हम लोग पोजेशन दे देंगे। करंटली हम लोगों की दोनों बेसमेंट्स कंप्लीट हो चुकी हुई हैं और हम लोग ऑन ग्राउंड आ चुके हुए हैं। Okay, Bakhtavar, thank you so much for giving us your time and explaining this project to our viewers in detail. So viewers, ये थी एक detailed, in-depth video of Crescent Lake Tower, जहाँ पे हम लोगों ने आपको इस पूरे project की जो basically project structure है उसके बारे में बताया है, जो facilities ये लोग provide कर रहे हैं उसके बारे में बताया है, और इसके अलावा जो उनका current development status है वो भी इसके बारे में हम लोगों ने आपसे details share की। सो इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और किसी भी किस्म की डिटेल्स अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं क्रिसेंट लेक टावर के बारे में तो हमारे गिवन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरीज हो तो आप ऑन कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, लाइक दिस वीडियो, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। amanat.com, पाकिस्तान फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल, मशवरा अमानत है।